हेलो गाइस, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज लेके आ चुका संतोष सेन का। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा जो कि फ्रंट पेज पे और साथ में प्रदीप खड़का का भाई। तो हाँ गाइस, आप लोगों ने थंबनेल सही क्लिक किया। तो आप लोगों को बता दूं, इस टाइम पे जो कि संतोष सेन एंड प्रदीप खड़का का तो जो कि बहुत ही ज्यादा इंडिया में भी क्रेज है और साथ में जो कि नेपाल में भी क्रेज तो है ही है, बट इस टाइम पे और भी ज्यादा क्रेज बन रहा है क्योंकि इंडिया में भी जो कि अवार्ड मिला हुआ है संतोष सेन को भी, प्रदीप खड़का को भी, और साथ में अब तो गाइस नेपाल में भी अवार्ड मिल चुका जो कि प्रेम गीत 3 के कारण। तो किस कारण है तो सब चीज डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस? यार कर दो यार, भाई का चैनल तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, जो कि 6000 सब्सक्राइबर करवा दो। तो आप लोगों को बता दूं माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कि प्रेम गीत 1, प्रेम गीत 2, प्रेम गीत 3 में जितने भी सीन दिखाए गए थे, ओ माय गॉड, जो कि बहुत ही जबरदस्त थे। जैसे मुस्तांग का सीन था जो कि प्रेम गीत 1 में भी, अलग अलग जगह का जो कि नेपाल का सीन दिखाया गया, इसी कारण जो कि द फिल्म माउंट फेस्टिवल ने जो कि उन्हें जो कि अवार्ड दिया। क्योंकि इससे क्या होता है जो कि फिल्म जितने भी नेपाल के लोकेशन है उससे जो कि अलग अलग जो कि वर्ल्ड वाइड में पता चलता है कि नेपाल कितना अच्छा देश है और कितना क्यूट है, कितना हिमालय माउंट एवरेस्ट के नीचे छोटा सा देश है बट उसमें जो कि इतना प्यारा है और जो कल्चर है, जो वहाँ का नेचर है, उसके कारण ही जो कि बहुत लोग देखते हैं इस टाइम पे। जो भारत में भी इस टाइम पे प्रेम गीत 3 के कारण जो कि क्या नेपाल भी ऐसा है यार, इतना सुंदर देश है यार, इतना अच्छा कंट्री है। तो इसी कारण जो कि बहुत ही जो कि इससे आगे जो कि फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि उससे टूरिज़्म बढ़ेगा और नेपाल का कल्चर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी कारण जो कि फिल्म के माध्यम से जो कि नेपाल के प्रेम गीत 3 के कारण और भी ज़्यादा जो कि डेवलप हो रहा है। तो इसी कारण जो कि फिल्म फेस्टिवल में जो कि प्रदीप खड़का को जो कि बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला और प्रदीप खड़का को भी, और एक मिला जो कि नेपाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि नेपाल को ऐसा आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए जो कि मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। इस ऐसे जो कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए कि हाँ भाई संतोष सेन भी कुछ कर सकते हैं, प्रदीप खड़का भी कुछ कर सकते हो। इस टाइम पे जो कि बलिदान मूवी के लिए भी जो कि संतोष सेन बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका शूटिंग चल रहा है जो कि साउथ मूवी से, जो कि साउथ के टीम लेके आ चुका, टेक्निकल टीम आप लोगों को मैंने बताया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि नेपाल के जो कि नेपाल सरकार भी जो कि आगे उनको प्रमोट कर रहा है, जो कि आगे ऐसा काम करो, नेपाल को और ज़्यादा जो कि उनको दिखाओ, कि नेपाल के बारे में और ज़्यादा दिखाने चाहिए, कि नेपाल के अलग अलग लोकेशन दिखाना चाहिए, तभी जाके जो कि पता चलेगा फॉरेनर को भी, यूएसए, कनाडा, सब जगह जो कि वर्ल्ड वाइड को पता चलेगा कि नेपाल कितना सुंदर देश है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मोस्टली मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ प्रदीप खड़का को और संतोष सेन को और जितने भी आशु सेन टीम के, उनको भी कंग्रेचुलेशन की, आपको बधाई हो, ऐसे आगे काम करते रहो और अच्छे अच्छे जो कि फिल्म लेके आते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।